जय हिंद साथियों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल भर्ती 2020 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेके आए। लगातार बैठते हुए कमेंट्स आ रहे थे और दोस्तों उसके बाद में हमने आरटीआई लगाई थी और उसका रिप्लाई आज फाइनली तौर पर आ चुका है। तो दोस्तों काफी लंबा समय हो चुका है, बहुत सारे बच्चे फिजिकल क्वालिफाई है लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन की जो डेट है, फाइनली जो डेट है उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब तक यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन को लेकर आप सभी को एक बड़ी अपडेट बताने वाले, काफी ज्यादा वीडियो दोस्तों आपने देखे भी होंगे जिसमें आपको बताया जा रहा है कि मार्च में आपका एग्जामिनेशन होगा या अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन आज दोस्तों यहां पर सीआरपीएफ की तरफ से खुद यहां पर बताया गया है कि आपके एग्जामिनेशन को लेकर, तो बिल्कुल दोस्तों वो आरटीआई की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताएंगे। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाले सीआरपीएफ पैरामेडिकल भर्ती से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं। बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से काफी अच्छी गाइड आ चुकी है और दोस्तों ये ट्रेड्समैन के लिए संपूर्ण समर्पित ये बुक है जिसमें टोटल सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया। साथ ही चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्क बुक भी आ चुका है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे आपको। काफी अच्छी बुक है दोनों ही, दोनों बुकों से आप तैयारी करके बीएसएफ ट्रेड्समैन में आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। दोनों ही बुकों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी जाके आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे आरटीआई की कॉपी में आपको दिखा देता हूं, कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप के अंदर केंद्रीय पुलिस बल बंगलसिया भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया और ये आरटीआई यहां पर आप देख ले सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रत्युत्तर। तो फाइनली तौर पर आरटीआई का जो रिप्लाई है वो आ चुका है और मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल से इस नोटिस के थ्रू यहां पर बताऊंगा। यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के तहत मांगी गई वांछित सूचना और ये सूचना फाइनली तौर पर यहां पर दे दी गई। ये मैंने नाम छुपा दिया, यहां पे आवेदनकर्ता का यहां पर नाम है और यहां पर देख लीजिएगा ये जानकारी है जिसका फाइनली आंसर आ चुका है सीआरपीएफ की तरफ से। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों आखिर आंसर क्या है। तो इसमें लिखा गया कि जो लिखित परीक्षा की तिथि है वो अभी तक महानिदेशालय द्वारा घोषित नहीं की गई है। साफ साफ लिख दिया गया इसमें कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने फिजिकल वगैरह क्वालिफाई कर रखे हैं और रिटर्न एग्जामिनेशन की फाइनली डेट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यहां पर अपडेट आई है। साफ साफ लिखा है कि जो लिखित परीक्षा की तिथि है वो निदेशालय द्वारा अभी तक घोषित नहीं की गई है। साथ ही इन्होंने कहा है कि परीक्षा की तिथि घोषित होने पर प्रवेश पत्र भी जारी किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि जब आपकी एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी तो आपके प्रवेश पत्र भी सीआरपीएफ जारी करेगी। इसके लिए अलावा आवेदन लिखित परीक्षा की तिथि तथा अन्य जानकारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल साइट है www.crpf.gov.in पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। मेनली दोस्तों सीधी सीधी बात यह कि इन्होंने कहा है कि अभी तक परीक्षा की फाइनली डेट घोषित नहीं की गई है लेकिन जब भी आपकी परीक्षा की डेट आएगी तो उनके एडमिट कार्ड मतलब उनका नोटिस और एडमिट कार्ड आपको सीआरपीएफ की साइट पर भी देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन तो आपके घर तक आएंगे ही, साथ ही दोस्तों ऑनलाइन भी लिस्ट यहां पर सीआरपीएफ की तरफ से जारी की जाएगी। तो आप किसी भी प्रकार से गुमराह अभी तक बिल्कुल गुमराह ना होए, आपकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन की आपकी सीआरपीएफ के ऑफिशियली तरीके से कोई डेट नहीं आई है लेकिन आशा करते हैं दोस्तों अब जल्दी आपका एग्जाम हो सकता है क्योंकि अब जल्द ही सीआरपीएफ आपका एग्जामिनेशन करवा सकती है लेकिन उससे पहले आपको नोटिस जारी करके इंटीमेट एक बार जरूर करेगी। इसके अलावा दोस्तों सीआरपीएफ पैरामेडिकल से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं पर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।